नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइस यार, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के रिगार्डिंग लगातार छात्रों का सवाल है कि सर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कब से शुरू होगा, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना है वो शुरुआत हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दूँ कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, जो भी ताज़ा तरीन खबरें हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, या फिर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में इसे शेयर कर दें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी सप्ताह से शुरू होगा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन पंजीकरण की प्रक्रिया। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल जो है वो प्रकाशित हुआ था, और आपको बता दूं दूसरे चरण के पंजीकरण की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो गई है। कॉलेजों को छात्रों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश है। डिवाइस प्रयोग न करने वाले छात्रों को जानकारी देनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। तो आज के ही न्यूज़पेपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल जो है प्रकाशित हुआ। पहले चरण में मार्च माह तक सभी कॉलेजों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद वितरण की प्रक्रिया रुक गई थी, जिसमें 2884 छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिल पाया था। तो गाइस यार, फाइनल ईयर के जो भी छात्र पास आउट हो चुके हैं मगर उनको स्कॉलरशिप का छोड़िए फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी नहीं मिला, ऐसे तमाम छात्रों को फिर से एक बार जो है अगले 2 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। और दिसंबर तक प्रयास है कि अंतिम वर्ष के जो भी छात्र हैं उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन जो है वो वितरण करा दिया जाएगा। तो जिन भी कोर्स का मैंने थंबनेल पे भी नाम दिया है उनका मिलने का चांसेस प्रबल है। तो सिर्फ फाइनल ईयर यानी कि अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा दिसंबर तक, समझ गए। बाकी छात्रों को जब वो अंतिम वर्ष में पहुंचेंगे तभी मिलेगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अपडेट को रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।